ऐसा करते हैं, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुनाऊंगा आज। सुनाइए। रेडी कर। यहां तो कोई मुद्दा ही था बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड जो कुत्ते बिल्ली वापस भौंक रहे हैं। दोस्तों फाइनली भरत सिंह वालिया ने साहिल खान, सुपर सैम, अफरोज खान और जो बाकी के एथलीट्स थे उनको सबको एक धमाकेदार जवाब दे दिया है। अभी अभी जस्ट वो लाइव आए थे दोस्तों, उन्होंने सीधा साहिल खान को ओपन चैलेंज कर दिया है कि आप इंडिया आ जाइए, अब आपको माफी नहीं, आपको सीधी सजा मिलेगी, कानून सजा नहीं देगा तो हम सजा देंगे आपको। और उन्होंने फिर से बाकी के जितने भी एथलीट्स थे उनको बोल दिया है कि मुझे कुत्ते बिल्लियों के रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कुत्ते बिल्ली भोंकते रहेंगे, मुझे कुत्ते बिल्लियों से झगड़ा नहीं करना, शेर कुत्ते बिल्लियों से नहीं झगड़ता है। तो पूरी क्लिप दोस्तों आपको दिखा देता हूं, बहुत ज्यादा कुछ काफी चीजें उन्होंने बोली है धर्म को लेके भी और भी सारी चीजों को लेके, तो पूरी जो मेन मेन चीजें थी वो मैंने रिकॉर्ड करके ले आया हूं। आपको अगर पूरा लाइव देखना है तो भरत सिंह वालिया के इंस्टाग्राम पे अभी भी वो लाइव है, आप वहां पे जाके देख सकते हो पूरा लाइव एंजॉय। और आप अपने कॉमेंट जरूर करना दोस्तों कि आपका क्या व्यू है इस कॉन्ट्रोवर्सी में। ऐसा करते हैं, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुनाऊंगा आज। सुनाइए। रेडी कर। ये क्या हो रहा है? ये उनकी बहन है। हमसे बात कर कर ये पोस्ट डाल दिया, तो फिर अपने हिसाब से करना है, तो आप अपने हिसाब से करो। क्या मतलब है? खान का अपमान हो रहा है, आ रही है बस। क्या मतलब है कि साहिल खान का अपमान हो रहा है? साहिल खान का जरा भी अपमान नहीं हो रहा है। अगर कोई बेवकूफ लोग अगर इस तरह की बातों को निकालेंगे कि इंडिया में जितने, तो फिर ये गाना को बैन करना चाहिए। आप सुन रहे, आवाज आ रही है? बचते हुए रिलीजियस सेरेमनी में समझ आया क्या कह रहे हैं? क्या मतलब है कि साहिल खान का अपमान हो रहा है? साहिल खान का जरा भी अपमान नहीं हो रहा है। अगर कोई बेवकूफ लोग अगर इस तरह की बातों को निकालेंगे कि इंडिया में जितने, तो फिर ये गाना को बैन करना चाहिए। आपने कहाँ देखा इस गाने को बजते हुए रिलीजियस सेरेमनी में? ये सारे क्लब्स एंड डिस्कोस एंड पब्स में एंड आम पब्लिक में ये गाने हर जगह बन रहे हैं। साहिल खान इज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन दिस। हमने भी लीगली पूछी है हमारा क्या मामला है इससे। हमने कहा है ये गाना हमने बनवाया है, सर ने डांस किया है, सर ने डीजे को, सर डीजे थे वहां के, सर उस क्लब के इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं, सर सिंगर हैं, तो सर कैसे इन्वॉल्व हो गए इससे? उन्होंने सिर्फ स्टोरी बनाई है पूरी लाइव इवेंट की। सिर्फ लोग उसी पॉइंट पे आ रहे हैं कि ये गाना, तो वो गाना इंडियन आदमी को भी नहीं बजा था जो ओनर है क्लब का, वो भी तो हिंदू है, वो कौन सा मुस्लिम है? Please stop this Hindu-Muslim thing. आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, हमारी बात होने वाली थी। मैं अपने डैड को लेकर हॉस्पिटल आई हूँ और आपने ये पोस्ट डाल दिया। ने डीजे को, सर डीजे थे वहां के, सर उस क्लब के इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं, सर सिंगर हैं, तो सर कैसे इन्वॉल्व हो गए इससे? उन्होंने सिर्फ स्टोरी बनाई है पूरी लाइव इवेंट की। सिर्फ लोग उसी पॉइंट पे आ रहे हैं कि ये गाना, वो गाना इंडियन आदमी को भी नहीं बजा था जो ओनर है क्लब का, वो भी तो हिंदू है, वो कौन सा मुस्लिम है? प्लीज स्टॉप दिस हिंदू मुस्लिम थिंग। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, हमारी बात होने वाली थी। मैं अपने डैड को लेकर हॉस्पिटल आई हूँ और आपने ये पोस्ट डाल दिया। देखो यहाँ पे ये बात समझने की है कि इन्होंने कहा, दोबारा सुनना, ये कोई ना कोई यूट्यूब पे डाल ही देगा रिकॉर्ड करके आई एम श्योर। तो इन्होंने कहा कि सर का कोई अपमान नहीं हो रहा है, सर का इन द सेंस कि साहिल का कोई अपमान नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो गाना हमारी गलती ही नहीं है, गलती किसकी है? गलती उनकी है जो भजन कीर्तन भजन लिखते हैं, जो ये गाने लिखते हैं, उसके अपने भक्ति के जो गाने लिखते हैं या गाते हैं, समझ रहे हैं ना, ये उनके खिलाफ है, उनके धर्म के खिलाफ है, ये साफ सी बात है। तो उन्होंने बोला कि आपको ये नहीं लिखने चाहिए। यहाँ पे एक बात समझने की है, यहाँ तो कोई मुद्दा ही था बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड जो कुत्ते बिल्ली वापस भौंक रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कोई मुद्दा नहीं था। और शेर, मैं क्यों नहीं जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि शेर लड़ता भी नहीं है कुत्ता बिल्ली से। अब ये बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा एक ही मुद्दा है, आप मुझे कितनी भी गाली दो मुझे कोई फर्क ही नहीं है। मेरे इष्ट, मेरे आराध्य राम और उनके आराध्य महादेव का अपमान एक आदमी ने किया वहां पे चढ़ के, कुछ मुंबई में भी हुआ, सब कुछ प्लान्ड था, मेरी ब्रांड की बात होती है या कुछ भी है, सब लोग जो भी जितने भी लोग बिके हैं, जितने भी लोग बाहर निकल गए हैं, जितने भी लोग साथ नहीं दे रहे हैं इसके अंदर में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसे का हमें मोह है ही नहीं है, ना हमें सम्मान का मोह है,
हमने ये बॉडी बिल्डिंग से बाहर लड़ाई रखी थी, फिटनेस लाइन से बाहर लड़ाई रखी थी, ये सीधी लड़ाई थी कि आपने अपमान किया है, अपनी गलती मानो, माफी मांगो और सजा भुगतो। अभी माफी मांगने वाली बातें निकल गई हैं, अभी सजा भुगतने वाली बातें। और हमारे संगठन है जैसे जय श्री राम सेना है, उन्होंने उनको लीगल नोटिस भी भेजा। तो यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है कि सब कुछ बिकाऊ है। लीगल नोटिस का क्या बना, हमने अपनी तरफ से जो सबसे पहले हमने कानून का सहारा लेने की कोशिश करी, सीधी सी बात है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर हमारे हमें कानून अगर नहीं दिलवा पा रहा है इंसाफ, तो कौन दिलवाएगा? उसके बाद में सबको खरीदा जाता है, क्यों? क्योंकि हम धर्म के लिए आवाज उठा रहे हैं और उस टॉपिक को दबा दिया जाता है। इधर से किसी को मंगवा रहे हैं, उधर से किसी को मंगवा रहे हैं। देखो मेरा नंबर सबके पास है, मेरी पते सबके पास है, सबको पता मैं कहाँ रहता हूँ। किसी को भी रहमानी कीड़े काट रहे हैं, किसी को भी रहमानी। एक बार कोशिश कर लेना, मिलकर देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा। ऐसा मेरे से पहले मैं क्या बोलता हूँ, ना मेरे को हाथ उठाने की कोई जरूरत है, ना मुझे टांग उठाने की जरूरत है, मुझे केवल फोन उठाने की जरूरत है। और जिन फोन जो फोन मुझे ऑलरेडी आ रहे हैं उनको मैं खुद मना कर रहा हूँ कि नहीं भाई। तो थोड़ा क्या बोलते हैं कि बॉडी 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 बिल्डिंग वगैरह करो, अच्छे एथलीट बनो, क्यों पॉलिटिक्स? वही मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैं बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ, हाँ, लेकिन फिटनेस पसंद है मुझे, मैं बहुत साल से कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। और मैंने जितना देखा कि अभी कुछ समय पहले अभी मनोज पाटिल भाई को जैसे फॉलो करता हूँ, तो वो भी बाहर खेलने गए थे, अभी कई बैक टू बैक उन्होंने शोज खेले थे, प्रो शोज क्वालिफायर के लिए। ठीक है, हार्ड टाइम था, नहीं हो पाया, उनके साथ में भी जो लोग थे तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिख रही थी, एकदम भाईचारा दिख रहा था। तो अच्छा लग रहा था कि एक दूसरे को इतना सपोर्टिव है इंडिया में एथलीट। ये तो मेरे को ना बहुत एकदम से गुस्सा चढ़ गया, मुझे बात करनी ही नहीं उनके बारे में। यहाँ पे धर्म का साथ देना तो छोड़ो, उसके खिलाफ खड़े होना बहुत बड़ा पाप खुद ही है। जरूरत नहीं है, वो लोग जानते हैं ना मुझे, मैं बोल रहा हूँ मुझे सब लोग गालियां तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उस आदमी ने काम किया है, मेरा एक ही मुद्दा है कि वो आदमी। और ये यहाँ पे मैंने आपको दिखाया रिकॉर्डिंग में, ये क्या बोल रहे हैं कि हमें भजन नहीं बनाने चाहिए, हमें भजन नहीं गाने चाहिए, हमें भजन कीर्तन नहीं करना चाहिए, हमें लिखने नहीं चाहिए, हमें मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए। ये बोल रहे हैं कि इसको बैन होना चाहिए, ऐसी बात इन्होंने बोल। सिर्फ एक मुद्दा नहीं इस आदमी का, आप बोल रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान बीच में घुसेड़ता हूँ। मेरे को सिर्फ अपना, मैं हिंदू मुसलमान तब बीच में घुसेड़ता जब मैं इस्लाम का अपमान करता, ऐसा एक भी वाक्य नहीं है जहां पे मैंने इस्लाम का अपमान किया हो। रिस्पेक्ट मैं सिर्फ अपने धर्म की करता हूँ, लेकिन डिसरिस्पेक्ट मैं करता हूँ, रिस्पेक्ट सिर्फ मेरे अपने धर्म की है। और उसकी डिसरिस्पेक्ट जो करेगा, और स्पेशली महादेव की, हमारे महादेव है जिसने सब कुछ दिया है इस आदमी को और इस पूरे जगत को, तीनों लोगों को, उसको तुम ऐसा दिखा रहे हो। ऐसा वो तक में भी हम गए तो खरीदने की कोशिश करी गई, लेकिन हम धर्म के साथ खड़े, हम आप